तृतीया विभक्ति इति पाठ्यते शास्त्री द्वितीय वर्षम अनिवार्य प्रथम पत्र विषय संस्कृत व्याकरण से द्वितीया विभक्ति सूत्रमस्ति इत्थं भूत लक्षणे कंचित प्रकार प्राप्तस्य लक्षणे तृतीयस्य इत्थं भूत के ज्ञापक से तृतीया होती है अर्थात जिस चिन्ह से किसी की विशेषता प्रकार या परिचय सूचित होता है उस चिन्ह वाचक शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। तृतीया विभक्ति इत्थं भूत लक्षणे पुनः इत्थं भूत के ज्ञापक तृतीया विभक्ति होती है। जिस चिन्ह से किसी की विशेषता प्रकार या परिचय सूचित होता हो उस चिन्हवाचक शब्दों में तृतीया विभक्ति होती है। जिस लक्षण से जिसकी पहचान की जाए उसमें तृतीया विभक्ति होती है। इत्थं भूत लक्षणे इस सूत्र से अनेकानी उदाहरणानि सन्ति यथा जटाभिस्तापसः जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। तो यदि कोई तपस्वी है तो उसकी यह पहचान है कि जटाएं होती है, सिर में जटाएं होती है। तो कोई व्यक्ति उसे देखता है तो कहता है कि जटाओं से यह तपस्वी मालूम करता है, जटा भी तापसा और यह जटा भी तृतीया विभक्ति है। तृतीया बहुवचन मूल सब जटा है, लता की तरह लता भी तृतीया बहुवचन तो जटा भी। इसमें तृतीया विभक्ति हुई किस सूत्र से?
उत्थानभूत लक्षण कि जिस लक्षण से चिन्ह विशेष से किसी की पहचान की जाए। सह कासाय वस्त्रेण संन्यासी प्रतीयते। संन्यासी की पहचान क्या है? गेरुआ वस्त्र। यदि कोई गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए है तो कोई देखता है तो कहता है कि कसाय वस्त्रेण धारण किए हुए हैं, गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए हैं, तो गेरुआ वस्त्र धारण करता है कौन? संन्यासी करता है। वह उसकी पहचान है, वह उसका एक लक्षण है। तो कसाय वस्त्रेण में यहाँ कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति है। इस सूत्र से है और यथानुभूत लक्षण से रमेश चंदन वैष्णव रमेश चंदन वैष्णव प्रतिभाति। तो रमेश चंदन से वैष्णव मालूम पड़ता है। रमेश चंदन से वैष्णव मालूम पड़ता है कि वैष्णव अर्थात वैष्णव में अनुपत्य है और विष्णु के उपासक को हम वैष्णव कहते हैं। तो रमेश चंदनेन वैष्णव प्रतिभाति। रमेश चंदन से वैष्णव मालूम पड़ता है। तो यहाँ भी चंदनेर में तृतीया विभक्ति है। किस सूत्र से? इत्थानभूत लक्षणे। किस सूत्र से यहाँ तृतीया विभक्ति है? मूल शब्द इसका है चंदनम, इसका रूप हो गया तृतीया वचन चंदने। रमेश चंदनेर वैष्णव प्रतिभाति। रमेश चंदन से वैष्णव मालूम पड़ता है। तो यह चिन्ह है, वैष्णव की यह पहचान है चंदन किरण है। यह चंदन क्या है? वैष्णव का चिन्ह है, पहचान है। देवदत्त रक्तचंदने साक्तः देवदत्त रक्तचंदने साक्तः दृश्यति। रक्तचंदने लाल चंदन, सर शक्ति का उपासक, शक्त शक्ति का उपासक वह देवदत्त रक्त चंदनेन साक्त दृश्य। देवदत्त लाल चंदन से साक्त दिखाई पड़ता है। यहाँ भी रक्त चंदनेन इसमें यहाँ रक्त विशेषण है और चंदन का है विशिष्ट है, इसलिए समस्त होकर के तृतीया विभक्ति है, एक वचन है। तो देवदत्त रक्तचंदने साक्त दृश्यते।
कि सूत्र से इत्थं भूत लक्षण से तृतीया विभक्ति लिखनी है। यज्ञवत्प यज्ञदत्त भस्म लेपने से अर्थात भस्म लगाने से यज्ञदत्त भस्म लेपन भस्म लगाने से सैव मालूम करता है। सैव मतलब होया शिव का उपासक है। वह किताबों से छात्र मालूम करता है, वह किताबों से छात्र प्रतीत होता है। यहाँ है जिस छात्र की क्या पहचान है, चिन्ह क्या है कि उसके पास पुस्तक है, तो यहाँ पुस्तक में तृतीया विभक्ति है और यह पुस्तक तृतीया बहुवचन है। किस सूत्र से? इत्थं भूत लक्षण से।